हरे की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण लज्जा सबकी राखियों शिव बैलन नसवा। चंद्र तपे सूरज तपे अधगण तपे आकाश, इन सबसे बढ़कर तपे इन सतियों का सुप्रकार। हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे। बोलिए सच्चे दरबार की, श्याम सरकार की। एक तो इन पैरों को इकट्ठे करो जी, बोलिए हारे की सहारे की, लख दातार की। सुस्ती किस किस का चढ़ रही, एक बार हाथ ठाकर दिखाओ। हाथ उठाओ जब भी जयकारे लगाओ, दिल खोल के। एक भी भक्त ऐसा ना हो जिसके मुख से आवाज ना आए। बोले श्याम सरकार की, बोले हारे के सहारे की। आओ मिल करके, प्रेमी बैठे हैं और मन की बात बाबा तक पहुंचाते हैं और अपने भाव बाबा तक रखते हैं। एक बार ताली लगाओ कैमरा मैन के लिए, मोरवी नंदन प्रोडक्शन। फोन काटो, सर्च करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भेज दो जिस जिस द्वारा भेजना हो सच्चे दरबार की। और हमारे म्यूजिशियनों के लिए भी ताली लगाओ जी, बड़ा सहयोग करें। आओ मिल करके बाबा तक अपने मन के भाव पहुंचाते हैं। मन की बात सावरिया ने आज सुना के देख ले, हो मन की बात सावरिया ने आज सुना के देख ले। अरे सुन सी सावरियों मेरो, तीर लगा के देख ले। कौन कौन सुनाएगा अपने मन की बात, एक बार उठाओ सीधे सीधे हाथ। बड़ा प्यारा समय है, इसी समय में भक्ति पर जोत पे प्रभु होते हैं। उठाओ लंबे लंबे हाथ मिल करके। मन की बात सावरिया ने आज सुना के देख ले, मन की बात सावरिया ने आज सुना के देख ले। सुन सी सावरियों मारो तेरी लगा के देख ले। मन की बात सावरिया ने आज सुना के देख ले, मन की पाता सावरिया। देखो ऐसे नहीं सुनेगा, हमारा नौकर नहीं है किसी, ऐसे बजाओगे ताली और आएगा। एक बार लंबे लंबे हाथ उठाओ, उठाओ लंबे लंबे हाथ लगा के ताली मिल करके। एक बार वो भक्त हाथ उठाओ जो बाबा के लिए यहाँ आए। आपने 5 घंटे बैठे बैठे कीर्तन सुन लिया, लेकिन इन 5 घंटों में एक भी बार आपने सामने वो बैठा हो पिताजी अपने मन की बात कभी कही है कि आंखें बंद करके प्रभु आज मेरा यो काम होना चाहिए दरबार की, सच्चे दरबार की। एक बार मिल करके जितने भी भक्त हैं
कि 5 घंटे बैठे हो गए बाबा, इमामगढ़ की गुंजाइश नहीं है, जो चाहिए पे जोड़ी में गाल दे सच्चे दरबार की। एक बार अपने मुख से कहो, मन की बात सावरिया ने आज सुना के दे। बोलिए शाम प्यारे की, मन की बात सावरी ने आज सुना के देख ले, और सुन सी सावरिया तू तेरे लगा के देख लिए। वो दरबार है साहब, विश्वास जरूर। एक बार थोड़ा थोड़ा सा आगे आओ जितने भक्त, क्योंकि मिलजुल के बाबा से बातें करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आगे आओ। बोलिए श्याम सरकार की, बोलिए हारे के सहारे की जय हो। सभी आगे आ जाए, मैदान बहुत खाली है, बाबा के दरबार में आके अर्जी लगाए। रहोगे चौखट से दूर तो कोना ही कोना है, वहां पीतल ही पीतल और यहाँ सोना ही सोना है। जिसको सोना चाहिए वो दरबार में आके बैठे। बोले श्याम सरकार की जय हो। अच्छा वो प्रेमी हाथ उठाओ जो ठाकुर की सेवा में लगे हैं, एक बार हाथ उठाना, और एक बार जोर से जयकारा बंदेपुर धाम के लिए। बोलिए बंदेपुर धाम की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। श्याम सरकार की जय हो। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा सा फटाफट हो जल्दी, देखो समय नहीं है फिर। बोले श्याम सरकार की जय हो। आओ मिल करके बाबा तक हाजिरी पहुंचाते हैं। हो जब जब संकट आया है, इसको सामने पाया है, दुनिया ने रिश्ते तोड़े, इसने साथ निभाया है। इस दरबार में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ जुबान काम नहीं करती, आंखों से पता चल जाता है साहब को कि क्या चाहिए मेरे भक्तों। बोले श्याम सरकार की जय हो। और आज मिल करके बाबा से कहना कि दुख का बादल जब जब मुझ पे छा गया, नीले घोड़े चढ़ के बाबा गया,
वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया मेरा श्याम। अब कौन कौन भक्त ऐसा है कि जिसकी पुकार सुन के ठाकुर आए, एक बार उठाओ लंबे लंबे हाथ मिल करके। दुख का बादल जब जब मुझ पे छा गया, मेरे घोड़े चढ़ के बाबा जब जब मुझ पे छा गया, मेरे घोड़े चढ़ के बाबा आ गया। दुख का बादल जब जब मुझ पे छा गया, मेरे घोड़े चढ़ के बाबा आ गया। बोले श्याम सरकार की जय हो।
बोली श्याम सरकार की जय हो। हेलो 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 बोली श्याम सरकार की जय। आओ मिलकर के हरियाणवी रचना हमारे भाई की फरमाई। ओ मेरे खाटू बाड़े आ जाओ बाबा लावे ना दे। बोली श्याम सरकार की जय हो। हरियाणी आड़े हो कई वाले ठावे पर लंबे लंबे हाथी थे। अरे जोर से जयकार बोले जवाब में। बोले श्याम बोले बोले पूरे धाम की जय हो। मिल करके हो मेरे खाटू बाड़े आ जाओ बाबा लावे ना देर। खाटू बाड़े आ जाओ बाबा लावे ना देर।
सच्चे दिल से बुलाओगे जरूर ठाकुर छोड़ी पड़ी गए मतलब मेरे हाथ उठाओ। देखो किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, अपने आस पड़ोसी को ना देखो, बस ये देखो हम और मेरा बाबा। बोले श्याम सरकार की, आओ मिल करके मेरे खट्टू वाले आ जाओ पापा लावे ना देर, मेरे खट्टू वाले आ जाओ पापा लावे ना देर। मैं के बोलूं श्याम साल खरीदारे पर अब के नंबर मेरा से, साल खरीदारे पर अब के नंबर मेरा से। मेरे अकड़ पड़ोसी सारी तने सबका काम बनाया से, काम बनाया से मेरे अकड़ पड़ोसी सारी तने सबका एक बार मिल करके कहो पिछले साल घने तारे इब के नंबर मेरा से। बाबा पिछले साल भी आया था मैं और पिछले महीने भी, पर जब की बार मेरी छोड़ी नहीं भरी थी लेकिन इब की बार मेरा नंबर है। बोली श्याम सरकार की हो। श्याम बाबा का श्रृंगार मन भावे, एक बार श्रृंगार के लिए जोर करता है, बड़ा प्यारा श्रृंगार है। और हमारे राहुल भाई निस्वार्थ भाव से सच्चे दिल से बाबा के चरणों में लगे रहते हैं, क्योंकि सेवा होती है तो निस्वार्थ भाव से होती है और बाबा जरूर कबूल करते हैं। बोले श्याम सरकार की जय हो, मिल करके बाबा से कहते हैं बाबा हो। श्याम बाबा का श्रृंगार मन भावे, ओ खाटू वाड़े रो दरबार मन भावे, हो दुनिया का नजारा ये दिखा। आओ मिल करके जो ताली यहाँ बजाओ के हो सकता है कि खाटू तक पहुंचे, और लेकिन सच्चे दिल से ये मत देखो कि समय क्या है, बस ये देखो इसी वक्त साक्षात बाबा जोत में होते हैं। और मिल करके बाबा से कहो हो श्याम बाबा का श्रृंगार मन भावे, खाटू वाड़े रो दरबार मन भावे, श्याम बाबा का श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे, वो दुनिया का नजारा की दिखा के देखो, श्याम बाबा का श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले रो दरबार मन भावे। जब की निराली माथे पे मुकुट है जापे, और पटिया का जब की निराली हुए को घुंघर बड़ा बाबा
अपने प्रेमी है सामने बाबा से नजरों नजरें मिलाओ मिल करके और झोली फैला के बाबा से कहो बाबा हो प्यारा सा मुखेड़ा घुंघरा ले के कलयुग का राजा खाटू ने रे प्यारा सा मुखेड़ा घुंघरा ले के कलयुग का राजा खाटू ने रे हरे का सहारा है मेरा शाही ओ हरे का सहारा है मेरा शाही प्रेमी एक बार चला जाता बस वो बाबा का हो जाता है। एक बार खाटू जाके वापिस आओगे तो मन में एक बार ऐसी तलब लगती कि ठाकुर एक बार दोबारा बोला तो मिल करके बाबा से कहो बाबा हरे की सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा हरे की सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा ओ हम तो खड़ी तेरी माँ सुने करुण पुकार हम तो खड़ी तेरी माँ सुने करुण पुकार हरे के सहारे आजा बोली हरे के सहारे की जय हो बोले लखदाता की जय हो। आओ मिल करके अब जब तक समय है थोड़ी सी बात बाबा तक करते हैं और अपने मन के भाव बाबा तक पहुंचाते हैं। बोली श्याम सरकार की जय हो बोली हरि की सहारे की जय हो। बोलो आओ मिल करके एक हाजरी बाबा तक जय जय दरबारी सावरिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको सेवा में सावरिया सगला खड़ा दिखे हुकुम बस आपको अरे सेवा में थारी सेवा में थारी हो माने आज बिछ जानो है सेवा में थारी। आओ मिल करके ये भजन अगर ना हो तो ठाकुर कभी भी खुश नहीं होते और इसी भजन में जो चाहिए वो जरूर मिलेगा लेकिन सच्चे दिल से गाओगे जरूर। मिल करके बाबा से कहते बाबा कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है कीर्तन की है कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है लेकिन ऐसे सुनसान बैठ के बाबा को बुलाओगे तो नहीं आएंगे। पर मेरे में हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठाओ और दोनों हाथों की ताड़ी के साथ बाबा से कहो कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है धन को कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है
कीर्तन की है ना। बोली सच्ची दरबार की क्या बात। बाबा से कहना कि बाबा आज तेरे दरबार आए हैं, लेकिन ये मौका हमें जरूर मिला है तेरी सेवा का, लेकिन हमें पता है कि तू अपने भक्त के मन को इस तरीके से पढ़ लेता है कि उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बोली श्याम सरकार की जय हो, बोली हारे की सहारे की जय हो। और मिलकर के बाबा से कहो बाबा दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो, दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो, दयालु आपको दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो, दयालु आपको सेवा में सांवरिया सगला खड़ा दिखे, सेवा में सांवरिया सगला बाबा। खटू वाला श्याम तेरी शरण में आ गयो, खटू वाला श्याम की शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरा नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, मुझे तो निभाई बालक हूँ मैं तीर क्या मुझे को निभाई, कि बालक हूँ मैं तेरो शाम मुझको निभाई ले, और दुखड़े को मारो मन काल जी लगाई। और इस कलयुग में बाबा पत दिखला दे बाबा काट दे अंधेरे से, आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कठ मेरे से, हो दीनानाथ मेरी बा। बोले श्याम सरकार की जय हो। आइए एक छोटी सी हाजिरी हो, और बाबा से कहना कि बाबा हो खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला, हो खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, मिल गई अब तो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। देखो इतने भक्त थे, जिसको जाना था वो जा चुके हैं, लेकिन जो गए हैं वे भोजन प्रेमी हैं, जो अब तक यहाँ बैठे हैं
एक एक शब्द जो सुन रहे हैं वो श्याम प्रेमी है, और ये सेवा आज हमें मिली है, मिली है सच्चे मन से। बाबा तक अपने दिल की बात पहुंचाओ। वो खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, मिल गई अब तो चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरे बाबा तेरी चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब देखो ये सेवा जी से मिले हैं, एक बार लंबे लंबे हाथ उठाओ अंतिम भजन, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा मिलके। एक दो तीन चार। सरकार की जय हो। आइए, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा एक भजन और बाबा तक हाजिर पहुंचाऊंगा, उसके बाद हमारे अनिल जी। कर्मा भाई का नाम किने किने सुना, एक बार हाथ उठा के बताओ। बोले श्याम सरकार की। हरियाणा की सबसे बड़ी भक्त हुई है कर्मा भाई, वो छोटी सी बच्ची जिसकी डांट सुन के बाबा आए थे और साक्षात खिचड़ी का भोग लगा के गए। ऐसी क्या बात हुई छोटी सी बच्ची के भाव में कि ठाकुर आए और वो भोग लगा के गए। यही कहानी थोड़ा सा कम समय में आपको सुनाऊंगा। बोली श्याम सरकार की जय हो। कि कर्मा बेटी जाटरी थी भोड़ी नादा, कर्मा की पतरा खियो वो मारा खाटू वाड़ो शा। वो छोटी सी बच्ची, उसके पिता हर रोज ठाकुर का भोग लगाते थे, लेकिन किसी कारणवश उसे शहर जाना पड़ा और अपनी बच्ची को कहने गए कि तूने बाबा का भोग लगाना। अब छोटी सी बच्ची को पता नहीं कि ठाकुर को भोग कैसे लगाते हैं। घर में रसोई में गई, थोड़ा सा बाजरा रखा था और बाजरे का खिचड़ा बना के ठाकुर के सामने रख दिया और बाबा से कहने लगी बाबा भोग लगा, बाबा भोग लगा। लेकिन उस बच्ची को पता नहीं कि ठाकुर को अगर बुलाना है तो मन के भाव सच्ची चाहिए। बोली श्याम सरकार की। वो छोटी सी बच्ची किस प्रकार बाबा से बुला रही और बाबा को कह रही, बाबा कि थाली भर के नहीं रखी चिड़ो ऊपर की बाट की, अरे जिमो मेरो श्याम धनी या जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बहुत प्यारी कहानी है, सच्चे दिल से सुनना। बोली श्याम सरकार की। आओ भोग लगा रही बाबा के सामने, कह रही क्या
ओ थाली भर के डायर खींचो, थाली भर के डायर खींचो, ऊपर की बाट की थाली भर के डायर खींचो, ऊपर की बाट की। हाय जीमो मेरो शाम थई जीमा मेर बेटी जाट की, जीमो मेरो शाम थई जीमा मेर बेटी जाट की, जीमा मेर बेटी जाट की। देखो अब उसने खिचड़ा बना के बाबा के सामने रख दिया और बाबा से कहने लगी बाबा भोग लगा। अब छोटी सी बच्ची को पता नहीं कि ठाकुर को बुलाने के लिए मन के भाव सच्चे चाहिए, लेकिन और बाबा से कहने लगी बापो मेरो गाँव में गयो है ना जानी कदी आवेगो, बापो मारो गाँव में गयो है ना जानी कदी आवेगो, बापो मारो गाँव में गयो है ना जानी कदी आवेगो, उसके भरोसे बैठ रहे हो तो भूखो ही रह जावेगो, आज जिमाओ तन खींचो, आज जिमाओ तन खींचो, खाली रबड़ी जाच की जिमो मारो शाम दे दीवावे बेटी जाट। अब उसने खिचड़ा बढ़ा के बाबा के सामने रख दिया और कहने लगी कि मेरा पापा पता नहीं कद आ सके कद नहीं, तो खा लेना घड़ी देर हो जाएगा फिर भूखा मर जाएगा, मेरे समझ गई है। और खिचड़ा रख के काम करने लगी और बार बार मंदिर में आ रही, हर जा रही, देख रही है कि भोजन खाया है या नहीं खाया। हो बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार में खोलती, बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार पट खोलती, हाय कैया को नाजी मेरे मोहन करी करी बोलती, कैया को नाजी मेरे मोहन। अब डंडा ठा लिया, कहने लगी हरियाणा क्यों हूँ ना दिमाग खराब हो जाएगा, भी वो भोग रखा है इसने खा ले चुपचाप। अब ठाकुर भी डर गया कदम पीट दे और फिर कहने लगी हाय तू जी मैं ते जद में जी मो, तू जी मैं तो जद में जी मो, मानू ना कोई लाट की जी मो, मेरो शंखनी जी मावे बेटी जाट की, मावे बेटी जाट। अब ठाकुर को भी लगने लगा कि फतेह आबाद की हरियाणा की है, कदम मार ना दे वो कर थाले बना बोरिया भी इस तरह तू चाल पड़। अब छोटी सी बच्ची को पता नहीं कि इस पड़ते की ओट में बैठ के ठाकुर भोग लगाता है। अब छोटे से जब पहले के जमाने में दामन पहनते थे, अब दामन कर कैसे ओट करके खड़ी होगी मंदिर आ गया, ये बात एक इसी थी जो ठाकुर ने भागी और ठाकुर छोटू में तो दौड़े दौड़े चले आके सामने खड़े हो आगे आगे, युवा खुद भी डर गई आगे योग्य हो या? यही बात एक ऐसी थी जो उसके मन को भा गई और ठाकुर मूर्ति में से डायरेक्ट आके उसको दर्शन देकर वो खिचड़े का भोग खाने लगे और पड़ता करके से खड़ी हर रोने लग रही, हर बाबा देखने लग रही, कहने लगी हाय पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फिर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फिर लगायो जी, हाय सा पर देखी ओट बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी, सागर की ओट बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी। अब रोने लग रही है, आंखों से आंसू है कि जो बात मेरे पिताजी ने 10 साल में नहीं की वो मैंने 5 मिनट में कर दी, ये कहानी उस कर्मा बाई की है। अब रोने लग रही है और वो खिचड़ा खा के बाबा ने भी आशीर्वाद दिया कि जब तक संसार रहेगा कर्मा बाई तेरा नाम रहेगा श्याम सरकार की। और रोती रोती बाबा से कहने लगी भोड़ा भाड़ा भगत सु बाबा, एक बात पते की बता के जाता हूँ, भक्ति अगर सच्ची है जो आप अपने घर में मंदिर में ज्योत लगाते हो ना सामने मूर्ति है, ये मत सोचो कि वो मूर्ति है, बस ये समझो कि साक्षात देवी देवता विराजमान है, ये बात कभी भूल नहीं करनी चाहिए। बोले श्याम सरकार की जय हो। और यही भूल उस कर्मा बाई के पिताजी हर बार करते थे, लेकिन कर्मा बाई के पिता ने कर्मा को कहा कि भोग लगाना, लेकिन उसने ये सोच के भोग नहीं लगाया कि मूर्ति को लगा रही हूँ, ये सोच के भोग लगाया कि साक्षात ठाकुर को लगा रही हूँ श्याम सरकार की। इसीलिए तो
भगती हो तो करमा जैसी सावरियों घर आवे लो, भगती हो तो करमा जैसी सावरिया घर आवे लो, ओ भक्ति भाव से पूर्ण हो तो हर्ष हर्ष गुण गावे लो, भक्ति भाव से पूर्ण हो तो हर्ष हर्ष गुण गावे लो, कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, और भक्ति भाव से पूर्ण हो तो मैं हर्ष हर्ष गुण गावे लो। लेकिन अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो या मूरत बोले काट की, अरे जिमो मेरो श्याम धनी या जिमावे बेटी जाट रे, जिमावे बेटी जाट की। ये कहानी विश्वकर्मा भाई की, बोली श्याम सरकार की जय हो। और ये बात सत्य है, बैठ नजदीक तू सावरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा।